नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होठों के फड़कने के बारे में। विज्ञान बॉडी के फड़कने को स्ट्रेस, स्ट्रेन या कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन के कम होने की वजह से भी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के फड़कने की ओर संकेत करता है। लेकिन जो हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र है और शरीर सर्वांग ज्योतिष और शगुन शास्त्र, जिसे आप सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, उसके अनुसार यदि आपके, खासकर यदि आप पुरुष हैं और आपका दाहिना हिस्सा फड़क रहा है, दाहिने हिस्से का होंठ फड़क रहा है, तो ये एक शुभ संकेत होता है। दाहिने होंठ का फड़कना किसी प्रिय वस्तु के मिलने की ओर संकेत करता है। यदि पुरुषों के लिए ऊपर वाला उनका दाहिना होंठ फड़कता है तो उन्हें कुछ अच्छा भोजन संबंधी यह प्रिय वस्तु के मिलने की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि होंठ के निचले हिस्से का दाहिना कोना फड़कता है तो यह आपको अचानक धन लाभ या इच्छित वस्तु के पूर्ति की ओर संकेत करता है। लेकिन यदि इसका उल्टा, मतलब बाईं तरफ के होंठ का हिस्सा फड़कता है, तो ये किसी हानि या किसी परेशानी की ओर संकेत करता है। और यही बात स्त्रियों के लिए उल्टी है, मतलब यदि स्त्रियों का दाहिना के जगह बायां होंठ उनका फड़कता है, ऊपरी होंठ फड़कता है, तो उनके लिए वो शुभ होता है। निचला होंठ फड़कता है तो भी शुभ होता है, लेकिन वो लेफ्ट साइड का होना चाहिए। और यदि उनका दाहिना पार्ट फड़कता है, दाहिना होंठ फड़कता है, तो ये अच्छा नहीं होता है और कुछ अशुभ होने या कुछ खोने या काम के ना बनने की ओर संकेत करता है। लेकिन यदि स्त्री और पुरुष दोनों के ही दोनों होंठ एक साथ फड़कते हैं तो यह एक शुभ संकेत होता है। यह सुख और सम्मान की प्राप्ति या किसी अनजान व्यक्ति से सहायता मिलने की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।